चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप क्या काम करते हैं? ये टाइलों का काम करते हैं, ईंट बनाने का टाइल। कैसी टाइलें बनती हैं? ये सीमेंट वाली, सीमेंट रोडीडस सीमेंट। कैसे कैसे, मतलब किस किस तरीके से बनाते हो आप इसको? जी, पहले तो इसमें ये हमारी मिक्सचर है, इसमें तसले वसले डाल के रोड के और डस के और फिर उसमें सीमेंट उमट मतलब इसमें मिक्स करके फिर आगे भरे जाते हैं, आगे वाइब्रेटर पे लग के फिर टाइल जमाते हैं। एक दिन का टाइम लगता है उसको, मतलब 8 घंटे का टाइम लगता है, फिर उसके बाद खोलनी पड़ती है, फिर चट्टे पे लगा देते हैं। तो आपको जो ये तसलेट होते हो, आप कितनी दूर चले, कितनी दूर तक वजन ले जा, कितनी दूर तक लेकर जाते हो? जी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत दूर, मतलब देख रहे हो आप, इतनी दूर से डाल देते हैं। तो एक तसले में कितना वजन होता है? एक तसले में 35-40, हमारे तसले में, हमारा बड़ा तसला। इंटरलॉक टाइल है, जो रोड पे लगे, कोई पार्क में लगा ले, कहीं भी लगा सका आदमी। तो आप मशीन चलाते हो? जी। उसमें आपका क्या काम होता है? इसमें कुछ भी काम करने को तो कर लूँ, लेकिन मैं अपना जो बताऊँ, मैं करने चलाऊँ, मैं फर्मे भरूँ मैं माल के, और बाकी शहरों के अलग अलग काम है, 5 आदमी 5 काम अलग अलग करेंगे सब आप अपना। एक दिन के 400 रुपये इनकम है हमारी, जो है 450 हो गए तो 50 रुपये जो है हमारे खर्चे के भी है, और हमारे 400 ही ला लो, अपने 400 रुपये बचे है। ये इनमें हमारे जो है पिछले महीने में हमारे 9000 रुपये लिख गए, 9000 में से 4000 रुपये का हमारा इधर उधर का खर्चा है, 5000 घर में दिए, बाकी जो घर में चले 5000 रुपये। बस और तो ही है हमारा, आ जरा तरपाल लगाओ, 15 और 1 16 8 14 ही ये 1600 की 1650 बस है, 1650 तेरी। हां तेरी बुझी आलू खा लग गया जी, चंद्र जी एक को मंगा का नहीं, एक बार आदमी खड़े, मैं थोड़ी टाइम से चल ले गए, ये बता मुझे क्या है।
ਕਲੇ ਮੂਹੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਮੋੜ ਲੈ ਵੀ ਕੋਣ ਜਾਗ ਰਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਬਤਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਅਬੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰਹਿ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲਰ ਜਰਾ ਓਏ मोहसिन भाई, जैसे कि घर में मतलब आपने कभी कुछ सोचा हो यहाँ पे बोर वोर हुए हो कि भाई हमारा कोई अच्छा काम हो और मतलब पैसों की कमी की वजह से आपको पूरा ना हो पाया हो, ऐसा लगता है आपको कभी? सोच तो सबकी रहे वैसे आगे बढ़ने की, लेकिन जो मतलब जिसके अंदर में जितना हो पाता है वो उतना ही कर पाता है बस। अच्छा, तो इस तरीके की घटनाओं को जिम्मेदार आप किसको मानते हो? तो किस्मत का। मतलब आपके कोई यूनियन है? मतलब हाथ यहाँ भी ख़राब हो जावे, पक भी जावे और करने चला चला गया वैसे तो भी प्रेस्टिक होगी ना, इससे तेज़ ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब तो आदत सी बननी है। तो दिक्कत तो अभी हो गई ना? दिक्कत तो है बट करना तो पड़ेगा जब काम है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस मजदूरी यही है हमारी और यही करें हम काम दौड़ते ही बचपन से ही। Para que eso.